वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने पर एक और जहां इस्तीफों का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ फूलबाग पर मिठाई का वितरण किया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि सिंधिया अब राष्ट्रवादी सोच के साथ जुड़े हैं। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस के नेता राकेश कुशवाहा ने सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर मिठाइयां बांटी। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सहित दूसरे पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे भी सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हों। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सिंधिया अपनी दादी स्वर्गीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया की पार्टी में आए हैं। जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया, जबकि उनकी पार्टी कांग्रेस केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ थी, इससे कहीं ना कहीं सिंधिया की राष्ट्रवादी सोच झलकती है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए, ये खुशी का दिन है, क्योंकि ग्वालियर की विरासत को जो आगे राजमाता सिंधिया जी ने बढ़ाया था, हम सब जानते हैं जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफ़र कैलाशवासी राजमाता सिंधिया जी ने प्रारंभ किया था और उनके आचरण को अपनाते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए कल जिस तरह से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका स्वागत करता है, वंदन करता है। इसी कड़ी में आज हमारे कांग्रेस के ही हमारे मित्र राकेश कुशवाहा जी ने मिठाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। उनका आग्रह था कि मैं आऊँ, हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्रियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आए। ग्वालियर से उमेश वर्मा की रिपोर्ट।